रूहानियत को इसको थोड़ी बोलते हैं कि हाथ बड़ा है, इस हाथ में सेब आ गया, इस हाथ में बड़ा तो मौसम भी आ गई, भाई बड़ी रूहानियत है। तो ये तो मतलब शोबतेबाजियां भी होती हैं। मुरीद तो चाहता है बापा के कुछ इस तरह की तरकीब बन जाए कि मुझे ये भी नजर आए, मुझे वो भी नजर आए, मैं यहां परवाजे करूं वहां परवाजे करूं। वो पीर के हाथ में हाथ दिया तो ये नहीं मुरीद को मिलना चाहिए, इसलिए हाथ दिया पहले पीर को तो मिल जाए फिर मुरीद को मिले। इसलिए अगर पीरी इसीलिए मुरीद बनता है तो इसने बहुत बड़ी भूल खाई है। बड़ी बड़ी जो भूलें करते ना उसकी लिस्ट में उसका नाम डाल दो। अगर इसलिए उसने किया कि वो मैं यूं करूं तो यूं हो जा रहा, यूं करूं तो यूं हो जाए, तो ये तो ऐसा नहीं होता कुछ नजर आना शुरू हो जाए, जो अभी जो नजर आ रहा है इससे हटकर कुछ नजर आवे, ऊपर नजर करें आसमान की तरफ तो कुछ नजर कहीं और निकल जाए, आसमान भी आर पार नजर आ जाए। कुछ ऐसा नहीं है ना, चौथे आसमान पे सूरज है यार, ये सबको नजर आता है। तीन दिन आसमान पार करके दिखता है अपने को। तो मुरीद नहीं तो उसको भी सूरज नजर आ रहा है ना, सूरज से कुछ आगे नजर नहीं तो आ रहा। नहीं तो आप तो आसमान के पार बोलते, मैंने चौथे आसमान का दिखा दिया ना आपको, बगैर करामत के दिखा दिया, सबको नजर आता है। गलत फहमियां दूर करवा दे बाबा कुछ मुरीद। हाँ नहीं तो ऐसी ऐसी सोच ना रखा हुआ, बल्कि पीर की जो चार शराइत हैं उनमें यह नहीं है कि पीर साहब मतलब ये करामतें दिखाते रहे और मतलब ये अगर करिश्मे दिखाते रहे और मतलब हिसाब किताब होता रहे। पीर पीर की चार शर्तें, वो सही उल अकीदा सुन्नी हो, उसका सिलसिला सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जा मिलता हो, सिलसिले बैअत, सिलसिले नसब नहीं है, सैयद जरूरी नहीं है, बल्कि हर सैयद पीर बन भी नहीं सकता। सैयद के लिए भी वो शर्तें, चारों शर्तें वही हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूं। तो वो सिलसिले बैअत सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उसका मुत्तसिल हो, मिलता हो जाकर, इसका खलीफा उसका खलीफा उसका खलीफा उसका खलीफा हो जाकर सरकार से मिल जाता हो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर बीच में कहीं भी ये सिलसिला टूटता है, किसी ने मतलब दावा कर दिया हो ऐसे पीर बन बैठा हो, बन बैठते हैं आजकल, तो फिर उसके चली उसका खलीफा उसका खलीफा उसका खलीफा, तो आगे चूंकि वो सिलसिला कट गया तो ये भी पीर दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। ये बेचारे का वो दुम कटा हुआ पीर है, उसका है नहीं कुछ मतलब, आगे अंधेरा अंधेरा है। नंबर तीन, तीसरी शर्त ये कि वो फांसी के मुअल्लिन ना हो, अलल ऐलान फिस्क ना करता हो, अलल ऐलान जैसे कि वो गीबत करता है, अलल ऐलान वो धोखा करता है तो दाढ़ी मुंडाता है या खशखशी दाढ़ी रखता है, गालियां बकता है, अलल ऐलान अगर वो फिस्क करता है, नमाजें छोड़ता है, बेपर्दा औरतों के साथ बेतकल्लुफी के साथ बदनिगाही, और ये जैसे आजकल बैठकें होती हैं, दस्तबोसियाँ होती हैं, सब कुछ होता है, तो अगर फांसी के मौलिन है तो भी ये शर्त मफकूद, इसकी बेहत भी जायज़ नहीं है ऐसे पीर की। अच्छा, वो चौथी मैंने वो तरतीब आगे पीछे सही, एक अब चौथी शर्त रह गई तो ये कि आलिम आलिम हो, जाहिल पीर नहीं बन सकता। आलिम की तारीफ इसमें यह है कि वो अकायद से वाकिफ हो और उसको फराइज का उलूम हो, उसको मालूम हो, और वो ज़रूरत के मसाइल जानने के साथ साथ उसमें यह सलाहियत हो कि जब कोई ज़रूरत पड़ गया तो मसला किताबों से बगैर किसी की मदद के निकाल सकता हो, इतनी सलाहियत हो उसमें। तो ऐसा तालीम जो पीर होने के लिए कम अज़ कम इतनी इसमें सलाहियत होनी चाहिए इल्मी। ज़ाहिर है कि अगर खुद आलिम नहीं होगा, जाहिल होगा और इतनी सलाहियत ही नहीं होगी, तो पीर तो होता रुश्दो हिदायत करने के लिए, इस्लाह करने के लिए, तो जब इसको ये मालूम ही नहीं कि इस्लाह कैसे होती है तो कैसे वो अपनी इस्लाह करेगा, कैसे मुरीदों की इस्लाह करेगा, फिर इधर की उधर की बातें करेगा, तसव्वुफ़ की किताब पढ़ ली एक दो तो वो तसव्वुफ़ के किस्से सुनाता रहेगा और बस वो उसका आस्ताना चमकता रहेगा, जैसे कई आस्ताने ऐसे चमक रहे। तो पीर जाहिल होते हैं, सब नहीं है लेकिन जाहिल भी होते हैं कि जो मतलब आलिम की डेफिनेशन और तारीफ पर पूरे नहीं उतरते, फांसी के मौलिन होते हैं कई पीर, तो धमाल है इसकी तो। मगर ये कि मैं आपको ये बताने को तो मैंने अर्ज किया, इल्मी बातें हैं ये मालूमात की,
लेकिन कोई ऐसा हो तो मेहरबानी करके उसके खिलाफ बोलना नहीं है, आप इसके मुकल्लफ नहीं है। यानी किसी को समझाना कब वाजिब है, जबकि जन्ने गालिब हो के इस पीर साहब को हम बोलेंगे ना कि पीर साहब दाढ़ी छोटी रखना गुनाह है, आला हज़रत ने इसको हराम बोला है, तो आप तौबा कर लीजिए, दाढ़ी बढ़ा लीजिए। आपको जन्ने गालिब आ जाए कि पीर साहब मान जाएंगे मैं बोलूँगा तो बोलना वाजिब हो जाएगा, लेकिन आप समझदार हैं कि आमतौर पर पीर साहब को ये सारी बातें पता होती हैं, मन पता होती है। अब जर मेरा तो बहुत पुराने तजर्बा है ना, दाढ़ी पीर साहब की दाढ़ी नहीं है, अरे पीर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं, इनकी दाढ़ी तो दिल में है। अब ठीक है, दिल में तो बहुत चढ़ा था, गले में पहन ले कि बाबा मैं फांसी का मौली नहीं हूँ, मेरी दाढ़ी देखने के लिए आंखें चाहिए, मेरी दाढ़ी दिल में। क्योंकि हमने जो हदीसें पढ़ी उसमें तो ये चेहरे पर दाढ़ी रखने का पढ़ा, दिल में रखने का कहीं पढ़ा नहीं है। अब ये पीर साहब का नया मसला, पीर साहब ने नया पंगा डाल दिया कि मेरी दाढ़ी दिल में। अब अपने अब ऐसे पीरों से अपने पहुंच नहीं सकते, तो दूर से टाटा है इनको भाई, कि इनके लफड़े में पड़ते नहीं है, फिर ये पढ़ेंगे तो अपने थोड़ा बहुत जो काम करते हैं वो भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए किसी को बोलने ऐसा नहीं है, बोलना उसी वक्त वाजिब होगा जबकि हमारा जन्न खाली बजाय कि ये मान जाएगा, शहादतमंद है, समझ जाएगा, मान जाएगा, तौबा कर लेगा, तो चलो आदमी बोले, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। दिल की दाढ़ी तो फिर ऐसी हुई ना बाबा, जैसे कि वो दिल का पर्दा होता है। हाँ, जैसे औरतें बोलती हैं पर्दा दिल का होना चाहिए, दिल का पर्दा होना चाहिए, पर्दा हमारी नीयत साफ है, पर्दा तो दिल का होना चाहिए। तो बस तो अगर वो जो जाहिरी पर्दे का हुक्म शरीयत है, जो कुरान और हदीस में पर्दे की जो किताब है पर्दों के बारे में सवाल जवाब, इसमें इस सवाल का जवाब मौजूद है, तो वाकई ये आजकल बोलती है कि हमारा दिल का पर्दा है, नीयत साफ, मंजिल आसान। अच्छा चलो भाई, तुम्हारी नीयत मान लिया है, बिल फर्ज आपकी नीयत सही है, जो आपको देख रहा है आंखें फड़ फड़ के, उसकी नीयत कहाँ से साफ होने का क्या करें, उसकी नीयत साफ नहीं होती ना। नहीं तो अगर वो देखते वक्त नीयत कर ले गए मैं अपनी बहन को देख रहा हूँ, मैं तो बहन समझ के देख रहा हूँ, तो अब भी इजाजत थोड़ी मिलेगी। मैं एक मतलब समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, अगर ये बेवकूफ़न अगर कहती भी है कि मेरा दिल, मेरे दिल का पर्दा है, मेरी नीयत साफ है, तो भाई तुझे जो देख रहा है, जो गैर मर्द तुमको देख रहे हैं, उनकी नीयतों को क्या करोगी, उनकी नीयतों की सफाई कौन करेगा। अब अगर दोनों की नीयतें साफ हैं तब भी पर्दे का हुक्म ही है, तो ये दिल का पर्दा और दिल की दाढ़ी और बस, और मामलात में भी इस तरह के आदमी टालने के लिए जब फंसते हैं ना किसी काम में, किसी घपले में, यार बस दिल साफ होना चाहिए, छोड़ो यार सब बातें, ये मौलवियों की बातें, दिल साफ होना चाहिए यार, चरसे पीते हैं और पी के पहुँचते हैं, और पहुँचे मैं कहाँ मना करता हूँ, पहुँचे हुए नहीं है ये पी कर, बिल्कुल पहुँचे हुए हैं, मगर कहाँ तक, शैतान तक, रहमान तक तो नहीं पहुँच सकता ऐसा आदमी। रहमान तक पहुँचने के लिए मुस्तफ़ा का दामन पकड़ना ज़रूरी है, और जो मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस तरह रहनुमाई करें, इस रहनुमाई के मुताबिक चले तो फिर रहमान तक पहुँचेगा जल्ला जलालू, वरना फिर वो शैतान तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो शैतान तक पहुँचे हुए होते हैं। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।